देखेंगे इन दिस वीडियो अपन स्टार्ट करेंगे आज 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। और इससे पहले जो है अपन जो है स्टारफिश ये बॉक्स जो है अमेजिंग फैक्ट पढ़ चुके थे, ठीक है। तो देखेंगे स्टार्ट करते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। तो अपन क्या करते हैं, फूड लेते हैं, खाते हैं, माउथ से डाइजेस्ट करते हैं, यूटिलाइज करती है अपनी बॉडी उसको। और द न्यूएस्ट पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड। और जो कुछ खाना अगर आप खाते हैं तो उसका पूरा पूरा जो है पार्ट आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते या यूटिलाइज नहीं कर पाती है बॉडी। जो अनयूज्ड पार्ट होता है खाने का वो डेफिकेटेड हो जाता है, मतलब वेस्ट हो जाता है, मतलब वो निकल जाता है आपके बॉडी से, ठीक है। और आपने देखा होगा, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी। आपने सोचा होगा कि अगर आप खाना खाते हैं तो क्या होता है उसके साथ। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल फिगर 2.2 विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड द एंड एट द एनस, है ना। तो ये फिगर 2.2 है, इसमें सब कुछ दिया गया है, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन स्ट्रक्चर, यहाँ से आपने खाना खाया, ठीक है, माउथ से बकल कैविटी से होता हुआ यहाँ से जाएगा, फिर ये आपके स्टोमक तक जाएगा, फिर ऐसे ऐसे से ये पूरा एक पाथ है, रास्ता है ना, यहाँ से आपका वेस्ट मटेरियल निकल जाता है एनस थ्रू द एनस, ठीक है। तो देखेंगे ये कुछ पार्ट्स हैं इसमें दिया गया है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, वकल कैविटी, फूड पाइप और ऑसियोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम, द एनस। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, ठीक है। तो एनस भी अब देखेंगे, तो इज़ इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, क्या ये बड़ा रास्ता नहीं है, लंबा रास्ता नहीं है। दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और ये सब मिला के क्या करते हैं, ये सारे पार्ट्स, ये ज़्यादा जो पाथ हैं, रास्ता है ये, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का तो ये पूरा पाथ मिला के जो है, पार्ट्स मिला के क्या जो क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म करते हैं इसको, पूरे पार्ट्स को जो है एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये बात याद रखना आप लोग, एलिमेंट्री कैनाल पूछ सकते हैं क्या होता है। तो द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। तो फूड आपका कंपोनेंट जो है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लगता है और फूड आपका वेरियस कंपार्टमेंट में अलग अलग जगह पर जाने लगता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनल सच एज सैलिवरी ग्लैंड्स। तो आपके स्टोमक में भी खाना जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है ना। तो वेरियस कुछ बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं आपके शरीर में पाई जाती हैं, ग्लैंड्स, लीवर वगैरह, पैनक्रियास वगैरह, ये सारे ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ग्रंथियाँ। तो क्या करती हैं ये सैलिवरी ग्लैंड्स वगैरह भी, ये भी सैलिवरी ग्लैंड भी होता है आपके आपके माउथ में होता है, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ये सब क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सीक्रेट करते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं, जिससे डाइजेस्टिव जूसेस से क्या होता है आपका जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। तो अभी अपन इन द प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना, ठीक है, तभी वो जो फिर यूटिलाइज कर पाती है अपनी बॉडी खाने को, है ना, फिर वो, ठीक है। तो सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस इसमें तोड़ देती है। तो ये डाइजेस्टिव जूसेस जो भी है ना, जो ग्लैंड से निकलते हैं, ये सब हेल्प करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने में ना। तो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये सब मिला के जो है एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, ठीक है। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो अब ये जानेंगे आपकी अलग अलग कंपार्टमेंट्स जो हैं अलग अलग, तो इनमें क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है, ठीक है। ये सारे पार्ट्स अपन ने पढ़े अभी, ये सब दिया था 1, 2, 3, 4 है, 6 तक है ना, एनस तक। तो देखेंगे एक करके पढ़ेंगे। द माउथ एंड द बकल कैविटी में क्या दिया गया है, तो देखेंगे फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द नेक्स्ट पेज देखेंगे। द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो इंजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है, कि जिसमें फूड आप लेते हैं, खाना खाते हैं, है ना, अपनी बॉडी में, जैसे ही आपने खाना निकला, मतलब आप खाना खाया, आपने अपने मुंह में दिया, तो वो प्रोसेस जो है वो जो है इंजेशन कहलाती है, ठीक है। वी चीव द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, फिर उस खाने को जैसे ही मुंह में डालते हैं तो फिर वो चबाते हैं, चीव करते हैं फूड को टीथ के द्वारा, ब्रेक डाउन इसको तोड़ते हैं स्मॉल पीसेज में। ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। हर आपके माउथ में जो भी टीथ है उसका एक सेपरेट सॉकेट होता है, ठीक है, ठीक है। मसूड़े, गम्स यानी कि मसूड़े होते हैं, तो मसूड़े में सॉकेट होता है, सॉकेट में जो आपका टीथ होता है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे फिगर 2.3 में दिया गया है 2.3, और आप अच्छे से न्यू नोटबुक देख सकते हैं या वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
ऐसा स्ट्रक्चर होता है टीथ का। अवर टीथ वेराई इन अपीरियंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। तो आपके टीथ जो हैं अलग अलग होती हैं और दिखने में भी अलग अलग होते हैं, अपीरियंस और उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स और उनके साथ साथ उनके नाम भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब इस बॉक्स में जो कुछ भी कुछ दिया है ये पढ़ लेते हैं पहले। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? तो आपने देखा होगा कि कुछ आपके टाइम बाद जो है, कुछ साल बाद आपका आपके टीथ जो है गिरने लगते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड द फॉल ऑफ द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। तो आपने देखा होगा ये जो एज होती है आपकी, फर्स्ट सेट आपका टीथ का आता है, कब आता है? इन्फेंसी यानी कि शिशु जब आप होते हैं, बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, तब आपका आता है। और 6 से 8 साल के बीच में जो है आपके ये दांत गिरने लगते हैं, ठीक है। दीज आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ, इन सभी को मिल्क टीथ कहा जाता है। द सेकेंड सेट ऑफ दैट रिप्लेसेस देम आर परमानेंट टीथ। और आपका सेकेंड सेट जो होता है वो होता है, और इसके बाद ये मिल्क टीथ, दूध के दांत जिन्हें बोलते हैं, उनके गिरने के बाद है ना, 6 से 8 साल के बीच में गिरने लगते हैं ये दांत, ठीक है। और आते कब हैं? शिशु पीरियड में आते हैं, इन्फेंसी में आते हैं। तो 6 से 8 साल बाद जब गिर जाते हैं, फिर इसके बाद सेकंड सेट जब आता है तो वो परमानेंट होते हैं, है ना। तो वो आपके परमानेंट ही होते हैं और परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ, तो वो लाइफ तक चलते हैं जीवन भर। फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, बुढ़ापे में गिरने लगते हैं या फिर कुछ डेंटल डिसीजेज हो जाती हैं तो उसके कारण भी होने लगता है, है ना, कुछ परेशानी होने लगती है दांतों में तो भी गिर जाते हैं, चलो कीड़े वीड़े लग जाते हैं। तो अब बूजो इज़ फैसिनेटेड बाय द हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2। फिगर 2.2 में बूजो ने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे कॉइल्ड है ना, यानी कि एकदम से घूमी हुई है, एकदम से एक के ऊपर एक ऐसे कॉइल टाइप में स्ट्रक्चर है उसका, है ना। ही वॉन्ट्स टू नो लेंथ, उसकी लेंथ पता करना चाहता है कितनी होती है। वुड यू लाइक टू मेक वाइल्ड गाइस, है ना, तो आप भी चाहेंगे, है ना, गैस कर सकते हैं। वी हैव गिवन इट्स अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑन पेज 16। तो पेज 16 में इसकी लेंथ दी गई है, अभी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। वेट, जस्ट इमेजिन हाउ सच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर इज एकोमोडेटेड इन अ स्मॉल स्पेस विद इन आवर बॉडी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतनी लंबा स्ट्रक्चर जो है इस इंटेस्टाइन का, वो कैसे अपनी बॉडी में जो है कॉइल्ड है, किस तरीके से जो है उसमें है, है ना, इतने स्मॉल स्पेस में वो जो है बन जाता है, है ना। तो आप समझ सकते हैं। एक्टिविटी 2.2 देखेंगे अब, है ना। देखिए क्या है, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, है ना। तो आप अपने हाथ धोइए और देखिए मिरर में अपने टीथ जो है वो गिनने का प्रयास करें, कोशिश करें। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, और आप अपनी उंगली से फील करो टीथ को। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, तो आपको कितने टाइप के जो हैं आपको टीथ मिलते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं टीथ ना। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, है ना, एंड विच वंस फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग। तो ये सब कुछ भी आप खाते हो तो आप जो टीथ हैं ना उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अपन पढ़ चुके हैं, अलग अलग सभी का अलग अलग काम होता है और सबका अलग अलग शेप होता है ना, और उनका नाम भी सबका अलग अलग है। तो देखेंगे विच वंस ऑफ, इसमें देखेंगे क्या बताया था, कौन सा जो है आपका टीथ बाइटिंग काटने में मदद करता है, कटिंग, है ना, और पियर्सिंग एंड टीयरिंग, ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे। फाड़ने में कौन सी टीथ मदद करता है ना, पियर्स करने में, है ना, उसको पीसने में ना। तो ये सारे जो है टीथ के फंक्शंस होते हैं। आल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, और आपने देखा होगा कौन से जो हैं आपके चबाने में काम आते हैं और ग्राइंडिंग खाना पीसने में काम आते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। टेबल 2.2 में आपको कटिंग एंड बाइटिंग टीथ बतानी है, पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। तो लोअर जॉ, अपर जॉ, तो दो आपके जबड़े जो होते हैं लोअर जॉ और अपर जॉ होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, ठीक है। लोअर जॉ में जो है कटिंग एंड बाइटिंग टीथ कितने होते हैं, अपर जॉ में कितने होते हैं, तो जितने लोअर जॉ में होंगे उतने ही अपर जॉ में होंगे, ये बात याद रखना, क्योंकि अपर जॉ एंड लोअर जॉ जो है वो आर सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कुछ नहीं रहा इस पेज पर, देखेंगे इन द नेक्स्ट पेज क्या है। अवर माउथ हैज़ द सेलिवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा, तो आपके माउथ में जब आप देखें आपने खाना खाया, उस प्रोसेस को आपने देखा इंजेशन बोलते हैं ना, तो आपके जब माउथ में खाना जाता है तो आप उसको पीसते हैं दांतों से, खाते हैं, चू करते हैं, चबाते हैं, है ना, उसको पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं,
उसको छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं। और आपके मुंह में जो है एक सेलिवरी ग्लैंड होता है, है ना, तो कुछ ग्लैंड्स भी पड़े थे जिसमें जो है आपके डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह सीक्रेट होते निकलते हैं, है ना, लीवर, पैनक्रियाज और सेलिवरी ग्लैंड एक्सेट्रा। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? तो सलाइवा, सेलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, तो उसका फूड पे क्या असर होता है? लेट अस फाइंड आउट, इस एक्टिविटी की मदद से फाइंड करेंगे। टेक टू टेस्ट ट्यूब्स, लेवल देम ए बी इन टेस्ट ट्यूब ए, पुट वन टीस्पून ए टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, बॉइल्ड राइस डालने, और बी में क्या करना है, बी वन टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 minutes। एक में, ए में जो है आपने बॉइल्ड राइस डाल दिए, और बी वाले में जो है बॉइल्ड राइस खा के अपने चू करके चबा के उसमें डाल दिए। 3 to 5 minutes तक आपको रखना है। ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। अब उसमें 3 to 4 ml जो है वाटर डालिए, आप दोनों टेस्ट ट्यूब्स में पानी डालना है। अब नाउ पोर 2-3 drops ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, तो आयोडीन सॉल्यूशन डालना है अपने तीनों में, है ना, एंड ऑब्जर्व करो व्हाई इज देयर इज अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स। तो इन दोनों का कलर जो है चेंज हो जाएगा। डिस्कस द रिजल्ट्स इन विद योर क्लासमेट्स विद योर टीचर एंड द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू सुगर्स। तो आपने देखा कि अब जो भी आएगा रिजल्ट आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं इन योर क्लासरूम, है ना। तो सलाइवा क्या करता है, आपका स्टार्च को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। सेलिवरी ग्लैंड से सलाइवा जो निकलता है, डाइजेस्टिव जूस जो बोलते हैं, वो स्टार्च को सुगर्स में कन्वर्ट करता है। एंड देखेंगे द टंग इज़ अ फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। तो बकल कैविटी का एक ऑर्गन जो है ये भी होता है आपका मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स मतलब बोन्स वगैरह कुछ नहीं होती हैं, मस्कुलर ऑर्गन होता है फ्लैसी, और जिसे अपन टंग बोलते हैं, जीभ बोलते हैं, तो बकल कैविटी के जस्ट पीछे होता है, है ना। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। तो आप ही के सभी के पास होती है जीभ, तो ना, तो ह्यूमन बॉडी पार्ट है, तो आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और अच्छे तरीके से, ना, किसी भी डायरेक्शन में मूव हो जाती है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग, टंग का क्या फंक्शन होता है? वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग, है ना, बात करने में मदद करते हैं। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड। और इसके साथ साथ आप देखेंगे ये जो सलाइवा भी आपका सलाइवा भी मिक्स करता है फूड में, और उसको च्यूइंग करते समय जब आप च्यूइंग करते हैं, तो जब सलाइवा मिक्स कर देता है फूड में, जिससे कि वो जो खपचंतला सब्सटेंसेस में टूट जाता है, स्टार्च जो है सुगर्स में बदल जाता है। एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड, जिससे आपको स्वेलो करने में मतलब फूड को निगलने में आसानी होती है। वी आल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग, टंग से आप स्वाद भी लेते हैं, है ना। इट हैज़ टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, और इसके अंदर जो है टेस्ट बड्स होते हैं जो अलग अलग टाइप ऑफ टेस्ट जो है फील करते हैं, है ना, टेस्ट करते हैं अपन। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो टेस्ट बड फाइंड करने का जो है आपको ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी 2.4, है ना। तो देख लेते हैं, लेट्स रीड क्या दिया गया है इसमें, फिर जो है पुरन ये इसमें जो कुछ भी बॉक्सेस वगैरह में कुछ दिया है इसको भी पढ़ लेंगे। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, देखेंगे इसमें एक्टिविटी क्या है। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ सुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस, जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर गॉर्ड। तो ये सब आपको लेना है, ठीक है। सुगर मतलब मीठा ले लिया आपने, नमकीन ले लिया, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस खट्टा ले लिया, है ना, नीम लीफ और बिटर गॉर्ड यानी करेले का जूस या फिर नीम का की पत्तियाँ ले ली क्रश करके उनका जूस ले लिया, तो ये कड़वा हो गया। तो चारों टेस्ट ले लिया आपने, ले लिए। अब सेकेंड, ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स, आस्क हर हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन अ स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन। तो आपको क्या करना है, क्लासमेट को जो है पट्टी बांधनी आंखों पर, उसको बताना है, उसको टेस्ट करानी है कुछ चीज़ें टंग बाहर निकाल के, है ना। और आप देखेंगे, यूज़ अ क्लीन टूथपिक टू पुट द एबअप सैंपल्स वन बाई वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज सोन इन फिगर 2.6। यूज़ अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल, टूथपिक की मदद से आप उसकी जीप पर जो है टच करके उसको फील कराइए, ना, तो वो टेस्ट करेगा सारी चीज़ें, ना, उसको 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 जो है उसकी आंखों पर पट्टी बांध देनी है, उसको कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, तो वो खुद फील करके बताएगा कि कैसा है, ये सुगर सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, ना, तो वो खुद बता देगा ना आपको। तो आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट सॉल्टी सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस। तो अलग अलग एरियाज जो है वो अलग अलग जो है अलग अलग टेस्ट बड्स होते हैं, है ना, तो स्वीट सॉल्टी सोर बिटर ये अलग अलग एरियाज होते हैं, बटे हुए होते हैं टंग पर, जो फील करते हैं, जैसे ये रहे इन दिस फिगर रीजन्स ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट, ठीक है। तो अलग अलग रीजन्स होते हैं, ये हो गया आगे हो गया, पीछे हो गया, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर 2.6। आपको ऑब्जर्वेशन देखने और लेबल करना है फिगर 2.6 को, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कौन सा फील हुआ, यहाँ पे आगे कौन सा फील हुआ, ये लेबलिंग करनी है आपको, यहाँ क्या फील हुआ, यहाँ क्या फील हुआ,
ठीक है, ये पीछे क्या फील हुआ। तो चार टेस्ट बर्ड्स, चार सॉल्यूशंस लिए थे, तो चारों का आप देख सकते हैं यहाँ पर, बिटर हुआ कहाँ, शुगर हुआ कहाँ, स्वीट स्वीट जो है आपको टेस्ट लगता है कहाँ, बिटर लगता है कहाँ, सॉल्टी लगता है, और कहाँ जो है आपको सोर लगता है खट्टा। एंड रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट्स, किसी अदर क्लासमेट से भी ये रिपीट करो आप एक्टिविटी, ठीक है। तो मुझे आई थिंक मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, लेकिन आप और अच्छे से कन्फर्म कर सकते हैं ना विद योर क्लासमेट्स या किसी टीचर से इन योर क्लास, या फिर मैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको बता दूंगा कि जो टेस्ट बर्ड्स हैं यहाँ आपको क्या फ़ील होता है ना, स्वीट कहाँ होता है और सोर कहाँ होता है, बिटर कहाँ होता है, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल मेक इट क्लियर, मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखेंगे ये बॉक्स पढ़ेंगे, स्वीट्स एंड टूथ दिखे है ना, इसमें क्या दिया गया है ये भी पढ़ लेते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, है ना। और आप देखेंगे आपके बैक्टीरिया जो हैं आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं जो कि हार्मफुल नहीं है अपने लिए, ये बात याद रखना आप ना, कि बैक्टीरिया कभी हो जाते हैं जब सड़ने लगते हैं दांत, तभी होते हैं, वैसे आपके नॉर्मली होते हैं बैक्टीरिया, लेकिन वो हार्मफुल नहीं है ना, हानिकारक नहीं है। हाउएवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बिगन्स टू लिव एंड ग्रो इन इट, लेकिन अगर आप अपने दांतों को ठीक से साफ नहीं करेंगे आफ्टर ईटिंग खाना खाने के बाद, तो फिर ये कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया बिगिन टू लिव, वहाँ रहना स्टार्ट कर देते हैं और ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, अगर आप ठीक से क्लीनिंग नहीं करते हैं अपने दांतों के। तो दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स, सी चैप्टर 5 टू नो व्हाट एन एसिड इज, ठीक है। तो आप देखेंगे इस बैक्टीरिया जो होते हैं क्या करते हैं, शुगर्स जो होती है आपके प्रेजेंट इन द फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड, जो आपका खाना जो फंस जाता है दांतों में, जो लेफ्ट ओवर फूड होता है उसको क्या करते हैं, उस शुगर को क्या करते हैं ये, उसको खाने लगते हैं उस खाने को, और उसमें क्या करते हैं एसिड उसको खाने, और फिर एसिड रिलीज़ करने लगते हैं आपके दांतों के बीच में। दिस एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और जब ये बैक्टीरिया एसिड जो है फैलाने लगते हैं अपने दांतों में, तो फिर ये टीथ डैमेज हो जाता है आपका, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके, इसी को टूथ डिके बोलते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सेवियर टूथ डिके टूथ एक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस, ठीक है। तो अगर आपने ये टूथ एक होने लगता है और अगर बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ जाता है, तो फिर ये होता है कि टूथ लॉस हो जाता है, आपके दांत गिरने लगते हैं, ठीक है। और अगर इसका ठीक से इलाज ना किया जाए तो चॉकलेट स्वीट सॉफ्ट ड्रिंक्स अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डिके, और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जो है टूथ डिके होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तभी आपने देखा होगा डेंटिस्ट वगैरह जो है ये मीठे ज़्यादा मीठा खाने की मना करते हैं, चॉकलेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें। अगर आप खाते भी हैं तो आफ्टर ईटिंग आपको जो है आपके अपने दांत जो है क्लीन करने चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। तो देखेंगे, देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ वाइल विद अ ब्रश और दातुन एंड अ डेंटल फ्लॉस, अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज़ मूव्ड बिटवीन टीथ टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, है ना। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, आपके दांत अपने आपको अपने दांतों को ठीक से ब्रश करना चाहिए, दातुन करना चाहिए, ठीक है। एंड डेंटल फ्लॉस जो है एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड जो होता है जो कि आपके दांतों तक पहुंच जाता है, और क्या होता है उससे कि आप देखेंगे कि जिससे कि आपके जो दांत हैं वो ठीक से साफ़ हो जाते हैं, है ना। और ये जो है आपको दातुन वगैरह या ब्रश जो है वो दो बार करना चाहिए दिन में, ठीक है। और कुल्ला भी कर लेना चाहिए आफ्टर एवरी मील, है ना। तो रिंस द माउथ दो लेना चाहिए, अगर आपने कुछ खाना खाया है तो आप ऐसे कुल्ला कर सकते हैं। आल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, और डर्टी फिंगर्स वगैरह ये अनवॉश्ड यानी अंदुली चीज़ें यानी कि ये सारी चीज़ें आपको यूज नहीं करनी चाहिए, अपने मुँह में नहीं डालनी चाहिए ना जो गंदी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब देखेंगे इस बॉक्स में क्या दिया गया है, इस बॉक्स में जो है देखेंगे इस बॉक्स में जो है इससे रिलेटेड नहीं है जो भी है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है ये बॉक्स में कंप्लीट अपन पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, द फूड पाइप ओइसोफेगस, तो इसी से रिलेटेड है ये बॉक्स, जो भी कुछ दिया गया है इसमें कुछ फैक्ट है, है ना। तो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है अपन डिस्कशन करेंगे द फूड पाइप ओइसोफेगस के बारे में, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।